हेल्दी साइड में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अच्छे से अपना ध्यान रख रहे होंगे। जैसे कि अभी बरसात स्टार्ट हो गई है, बारिश का मौसम है, जैसे भजिया खाने का मन करता है ना, तो वैसे ही कुछ मीठे में भी खाने का मन करता है कभी कभी। जैसे अभी बहुत तेज बारिश है तो अभी मीठा खाने का मन किया, जैसे रवे का हलवा बनाते हैं या आटे का हलवा बनाते हैं। तो हलवा क्या होता है, थोड़ा बिखरवा होता है, जैसे आपने भी खाया होगा। और सीरा क्या होता है, थोड़ा लिक्विड फॉर्म में होता है, जैसे लिक्विड होता है ना वैसे ये थोड़ा सीरा होता है। तो सीरा जैसे दो प्रकार से हम बनाते हैं, एक तो हम चीनी का बनाते हैं और एक हम गुड़ का बनाते हैं। जो सदस्य मतलब थोड़ा सा मीठी को अवॉइड करते हैं या जो हेल्थ का ध्यान रखते हैं या जिन सदस्यों को डायबिटीज है, जैसे आपने सूजी का हलवा या फिर सीरा भी खाया होगा या फिर नहीं सुना होगा आपने, तो पहली बार सुन रहे होंगे तो आपको लग रहा हो कि पता नहीं क्या है। तो आज हम बनाएंगे और उसको टेस्टी करके बनाएंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया, कुछ सदस्यों को डायबिटीज होती है तो वो मीठा खाने में थोड़ा सा घबराते हैं, तो उनको घबराने की जरूरत नहीं है। तो वो चीनी को एक साइड रख दें और गुड़ का सीरा बनाएं और खाएं, जैसे बरसात होती है बरसात का मजा लें, अच्छे से गरम गरम बनाएं और गरम गरम खाएं। तो इसको बनाने के लिए हमें सामग्री जान लेते हैं, पहले क्या क्या सामग्री चाहिए। जैसे ये हमारे पास आटा है, तो आटे को क्या करना है, ये हमारे पास कच्चा आटा है जो रोटी बनाने वाला आटा है, इसको पहले हमें रोस्ट करना है। और फिर ये हमारे पास घी है, देसी घी है, आप चाहे तो वनस्पति घी भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे देसी घी लिया है। और ये मेरे पास गुड़ है, जैसे गुड़ हैवी होता है और आटा लाइट होता है, तो हमें ये बराबर क्वांटिटी में लेना होता है। और गुड़ थोड़ा सा मीठा भी कम होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप इसमें थोड़ा मीठा डाल सकते हैं, आप गुड़ ज्यादा भी कर सकते हैं। अगर आपको ज्यादा मीठा पसंद है तो गुड़ की क्वांटिटी थोड़ा ज्यादा कर लें। मैंने यहाँ पे इक्वली क्वांटिटी ली है, जैसे कि मेरे पास ये 150 ग्राम आटा है तो मेरे पास 150 ग्राम गुड़ है। अभी मेरे पास यहाँ पे चीनी भी रखा हुआ है, तो चीनी क्या करना है, जैसे मैंने आपको बताया मैं यहाँ पे गुड़ का सीरा बनाने वाली हूँ, तो मैं चीनी को हटा दूंगी, चीनी साइड से रख देंगे हम। अभी हमारे पास तीन चीजें बची हुई है, इन तीन चीजों में देखिए कितना अच्छा सीरा बनेगा और हेल्थ से भरपूर। तो हमें सीरा बनाने के लिए सबसे पहला जो स्टेप है वो हम गुड़ को पिघलाना है, यानी गुड़ को मेल्ट कर लेना है। तो आप चाहे तो गैस पे भी कर सकते हैं, जिस प्रकार आप चाय बनाते हैं ना, चाय में चीनी डालकर मेल्ट करते हैं, उसी प्रकार आप पानी गर्म होने के लिए रख दे और उसमें गुड़ डाल दें, वो मेल्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं पानी भी गर्म किया हुआ है और गुड़ भी साथ में है, तो मैं पहले बाउल में पानी डाल दूंगी। ये देखिए बाउल में पानी डाल चुका है, अभी इसमें मैं गुड़ डाल दूंगी, क्योंकि जब तक आटा रोस्ट होगा तब तक ये पूरा पिघल जाएगा गुड़। और इसको बीच बीच में गुड़ को हम चम्मच की मदद से चलाते रहेंगे ताकि ये अच्छे से मेल्ट हो जाए। अभी कढ़ाई गर्म हो रही है तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले देसी घी डाल देंगे आटा रोस्ट करने के लिए। ये देखिए देसी घी इसमें डल चुका है, अभी पूरा जो देसी घी डाला है वो मेल्ट हो चुका है। अभी इसमें हम आटा डाल देंगे रोस्ट करने के लिए। आटा धीमी आंच पे रोस्ट करना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो अच्छे से आटा जो है मतलब अंदर से पूरा रोस्ट होके आना चाहिए, काला नहीं होना चाहिए। तेज आंच पे हम भूनेंगे तो वो काला होने का डर है, तो हमें काला नहीं करना है। हमें जो रेडिश होता है ना हल्का सा, जैसे रोस्टेड आटा होता है, कोई भी चीज हम रोस्ट करते हैं तो उसपे कौन सा कलर आता है वही कलर हमको इस पे लेके आना है। तो हम धीमी आंच पे इसको भून लेंगे पहले। गुड़ घुलकर अभी तैयार है, तो इस पानी को हमने छान लिया है, आप भी छान लें, या तो आप चीनी का घोल बनाएं या फिर गुड़ का घोल बनाएं, तो उसको आपको अच्छे से छान लेना है। इस चीज का आप ध्यान रखें, क्योंकि जो भी मतलब क्रस्ट टाइप होती है या कोई भी गंध होता है तो वो छन्नी में निकल जाता है। तो अभी उधर आटा भी भुनकर तैयार है और ये पानी भी तैयार है, तो हम अभी बना लेते हैं। ये इस तरह आटा भुनकर तैयार है, आपको इसी कलर का आटा करना है। तो अगर आप बनाएंगे तो आप ध्यान रखें आटे को इस कलर का रोस्ट कर ले। ये अभी रोस्ट होकर पूरा तैयार है, अभी हम इसमें जो है पानी छोड़ देंगे, जो हमने चाशनी बनाई हो, चाशनी या पानी कुछ भी आप उसको बोलो, तो इसमें हम पानी छोड़ देंगे धीरे धीरे और इसको अच्छे से चलाते रहेंगे, यानी मिक्स करते रहेंगे ताकि इसमें गुड़ी ना बने। थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहें और आप इसको मिक्स करते रहें, गुड़ी नहीं बननी चाहिए, क्योंकि फिर वो गुड़ी मतलब जो लम्स होते हैं ना, वो लम्स नहीं बनने चाहिए। वो लम्स बनते हैं तो फिर उसका जो है खाने में जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो थोड़ा सा अजीब हो जाता है,
तो इसको हम अच्छे से बनाएंगे, इसमें लम्स नहीं बनने देंगे। अभी हम इसी प्रकार पूरा पानी डाल देंगे और इसको अच्छे से चलाएंगे। क्या है, पूरा घुलकर तैयार है। जैसे इसमें पूरा चाशनी भी हमने डाल दिया है, यानी जो गुड़ का पानी हमने बनाया था वो पूरा डाल दिया है, और गैस हमने ऑन किया है तो धीमी आंच पर ये पक रहा है। इसको हमें धीमी आंच पर ही पकाना है, अच्छे से ये पक जाए। तो देखिए, जब तक ये मतलब पूरा फूल नहीं जाता, मतलब सीरा बनकर तैयार नहीं हो जाता, तब तक हम इसको पकाते रहेंगे। इसको पकने में 7 से 10 मिनट जाता है अगर आप धीमी आंच पे इसको पकाएंगे तो। पहले हम इसको अभी अच्छे से पका लेते हैं। इसी प्रकार इसको मिक्स करते रहेंगे ताकि इसमें लम्स ना बने। तो इसको हम अभी अच्छे से पका लेते हैं। पहले खोल रहा है, इस प्रकार ये खोल जाना चाहिए, तो आपको भी इसी प्रकार ये खोलाना है। इस खोल जाइए, देखिए इसमें कैसे बबल्स आ रहे हैं, इस प्रकार इसमें बबल्स आने चाहिए। अभी ये बनकर तैयार हो चुका है, गैस को हमने बंद कर दिया है। अभी हम इसको खाने के लिए सर्व करते हैं। किसी भी बाउल में आप खाएं, उसमें इसको सर्व करें। तो देखिए, हम बाउल में इसको सर्व कर लेते हैं खाने के लिए, गरम गरम खाएं। चाहे तो आप इसको चीनी का भी बना सकते हैं। आप इसके कलर के ऊपर ना जाएं, हमने हेल्थ को देखते हुए गुड़ का सीरा बनाया है। अगर आप हेल्थ को ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं तो आप गुड़ का ही सीरा बनाएं और फिर खाएं गरम गरम। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें और हेल्दी साइट को सब्सक्राइब करें। अगर आप इस रेसिपी को फेसबुक का देख रहे हैं तो प्लीज फॉलो करें। आज हम आपसे यहीं विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ जल्दी ही मुलाकात होगी। धन्यवाद।